मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वैलेंटाइन डे पर हर साल कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है। ऐसे ही इस बार किसी प्रेमी का तो नहीं, लेकिन एक पति पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है। वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्क में बैठे पति पत्नी को पीटना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तैयारी बनाकर निकले थे कि जहां मिलेंगे बाबू और सोना, तोड़ देंगे हम उनका कोना कोना, लेकिन ये कहावत उल्टा पड़ गया। दरअसल एक पार्क में बैठे पति पत्नी बात कर रहे थे, तभी पीछे से कुछ लड़के डंडों के साथ आए और मारना पीटना शुरू कर दिया। महिला चिकती चिल्लाती रही कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन एक न सुने। फिर महिला ने आसपास के लोगों को ये बात बताया कि कुछ लड़के हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। तब तक वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गया। फिर लोगों ने इन लोगों को, जो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने क्या जानकारी दी है। टैंडे की आड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पति पत्नी की पिटाई कर दी, क्या है पूरा मामला, क्या कहा हुई थी? एक वीडियो वायरल हुआ था, उससे संज्ञान में आया है कि एनआईटी एरिया में किसी पार्क में कोई मियां बीवी बैठे थे, उनके साथ कुछ जो लड़के थे उन्होंने मारपीट की है कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। पता लगा है कि वो आप लोगों के माध्यम से कि वो मियां बीवी थे। पार्क में बैठना बुरी बात नहीं है, स्वतंत्र लोग हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इसमें अगर कोई किसी तरह की कोई असली हरकत नहीं कर रहा है, जो समाज में देखने में बुरा लगता हो, इस तरह की कोई हरकत नहीं हो रही है, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी के साथ हस्तक्षेप करे, कोई मारपीट करे। अगर फिर भी उनको लगता है कि कुछ गलत गतिविधि हो रही है, जो एक्टिविटीज जो सही नहीं है समाज की दृष्टि से, तो पुलिस प्रशासन को, कानून को इत्तला कर सकता है, पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने मारपीट की है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो जिनको मारपीट की है, जिनके साथ जिनको चोट लगी है, वो पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, तो जो आरोपी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन थे वो लोग मारपीट करने वाले, कुछ पता चल रहा है? जैसा कि आप ही बता रहे हो कि वो बजरंग दल के लोग थे, कोई भी हो इस तरह की हरकत करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं और वो गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।